अपने सिर से खुद मिट्टी डाली थी, अपने सिर से खुद मिट्टी डालने लगे, फिर हम तुम सब प्रजा चलने लगी पीछे पीछे गाँव में। सिर से ही मिट्टी डाली है, जैसी भी वैसी भी कुछ नहीं। ये जो अभी आप बांध का जो गेट देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर आ चुके हैं श्री हरि बाबा के द्वार पर। और दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा, देखिए ये रास्ता जा रहा है, ये सीधा हरि बाबा के मंदिर के लिए जा रहा है बांध के लिए। और ये जो रास्ता जा रहा है इधर से, ये वाला ही हसनपुर गजरौला से आया है। और आपके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गवां से आया है, तो गवां यहाँ से करीब है 3-4 किलोमीटर दूर। और ये जो रास्ता आ रहा है इधर से, ये बबराला और अनूपसर से इस रास्ते से आ सकते हैं, जो कि बबराला यहाँ से करीब होगा 15-20 किलोमीटर और अनूपसर भी शायद इतना ही होगा। तो दोस्तों ये जो स्थान है, ये जो स्थान है ये संभल जिले में पड़ता है। और इसका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है बबराला। और बबराला आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप अलीगढ़, चंदौसी और बरेली, देहरादून, इलाहाबाद, इन जगह से आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह कर सकते हैं, या अपनी भी वाहन से यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ की जानकारी। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं श्री हरि बाबा धाम गवां संभल, यानी कि ये जो हमारा ज़िला था, ये जो ज़िला था यहाँ का पहले बदायूं था, अब ज़िला संभल हो गया है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो पीछे दो शेर दिखाई दे रहे हैं, उससे पीछे ये देखिए मंदिर है और श्री हरि बाबा जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी यहाँ पर एक जो संत हुए थे, बहुत बड़े संत थे, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको श्री हरि बाबा महाराज के दर्शन कराते हैं और उनके बारे में जो यहाँ की बातें हैं, जानकारी है, वो आपको इस वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बंदर बहुत हैं और ये एक बंदर है, ये पानी पी रहा है। दोस्तों जब आप मंदिर में परिसर में पधारेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बाबा के बारे में बताया गया है कि बाबा ने बांध का निर्माण कब कराया था, सामान्य परिचय उनका दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में बताया गया, प्रातः स्मरणीय श्री हरि बाबा महाराज का जन्म गंदावल जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। और बाबा जी के पिता का नाम श्री सरदार प्रताप सिंह अहलूवालिया सम्राम धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। महाराज को श्री विद्यार्थी जीवन में सतगुरु गुरुदेव सच्चिदानंद श्री महाराज जी के चरणों में समर्पण के कॉलेज में MBBS की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर और देश के भ्रमण पर निकल पड़े। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर परिसर की ओर और देख सकते हैं यहाँ पर कितना विशाल मंदिर बना हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और अभी मैं आपको ऊपर चल के दर्शन कराता हूँ गुरु जी के, ये देखिए दोस्तों। जब आप सामने ही आएंगे तो गुरु जी की एक विशाल प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखाई देगी, देखिए जिनके आप दर्शन कर सकते हैं गुरु जी के। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ से मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये
ये मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का व्यू है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी आपको अंदर के दर्शन कराते हैं गुरुजी के। यहाँ पर सामने देख सकते हैं एक मंदिर ये बना हुआ है इधर। और दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वो स्थान है यहाँ पर की गुरु जी की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर ये मंदिर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, काफी ऊंचा काफी विशाल मंदिर है ये दोस्तों। अभी आप मंदिर परिसर का व्यू कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। श्री हरि बाबा महाराज के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों अभी मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराऊंगा जहाँ की प्रातः आरती होती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर श्री हरि बाबा महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं। देखिए हम यहाँ पर परिक्रमा लगाएंगे। देखिए यहाँ बाबा के फोटो लगे हुए, फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये दोस्तों अभी आपने बाबा जी के दर्शन किए हैं श्री हरि बाबा जी के। और हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। ये मंदिर में लगी एक प्रतिमा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है जहाँ पर आपको तमाम प्रकार के लॉकेट वगैरह और हरि बाबा जी के फोटो वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। और उनसे संबंधित जो भजन हैं उनके भी यहाँ पर आपको तमाम फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ का भी कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको उस जगह के दर्शन कराऊंगा जहाँ की अनावृत कई वर्षों से कीर्तन का आयोजन होता चला रहा है। ये देखिए दोस्तों तो अभी हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था है कैसी है। दोस्तों अभी आपने दर्शन किए श्री हरि महाराज के। और दोस्तों अभी हम आ गए हैं गंगा के घाट पर।
दोस्तों यहाँ पर कुछ देखिए, हमारे पीछे लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, दर्शन के लिए आए हुए हैं। और अभी हमारे पास साथ में एक संत जी हैं जिनके हमने अभी दर्शन किए, और उन संत जी से आपको हरि बाबा बांध की पूरी महिमा मतलब जानकारी करेंगे, और आपको भी आप भी उसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हरि महाराज की पूरी जानकारी आपको अवलोकन करेंगे। दोस्तों चलिए अभी महाराज जी से बात करते हैं। गुरु जी जय सीताराम। तो गुरु जी कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? 30 वर्ष हो गए आपको। तो गुरु जी जो बांध के बारे में यहाँ पर कथा है उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। तो गुरु जी आप ये जो हरि बाबा महाराज हैं यहाँ पर जो बांध बनाया था गुरु जी ने, उसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को, जिससे कि जो है यहाँ के बारे में लोग अब बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से हरि बाबा जी के बारे में और गंगा मैया के बारे में और इस स्थान के बारे में जान। महाराज जी जैसा कि आपने बताया, कितने वर्ष हो गए आपको? 30 साल हो गए। 30 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए गुरु जी के माध्यम से, और गंगा मैया के दर्शन करेंगे और मेरे साथ आप भी करेंगे। तो दोस्तों ये संत जी हैं यहाँ पर जो कि लगभग 30 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं। सामने हमारे एक ऋषि खड़े हुए हैं और पीछे आप देख रहे हैं गंगा मैया बह रही हैं। तो गुरु जी कैसे ये बांध बना? ये बांध बना यहाँ की प्रजा ज़्यादा परेशान रहती थी, यहाँ की जनता ज़्यादा परेशान रहती थी, बार बार बाढ़ आ जाती थी, गांव उखड़ जाते थे। अच्छा सर, 1920 की बात है ये ना ये? हाँ। अच्छा, 1920 की बात है जी। और 1970 में शरीर पूरा हुआ है महाराज जी का। 1970 में? 70 जी। तो गुरु जी कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब जिला होशियारपुर के रहने वाले थे। गांव गंदोवाल जी। अच्छा, इनके पिताजी क्या नाम था? पिताजी का मुझे ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं आपको? जय श्री राम बाबा, मुझे यादगारी तो, नहीं पिताजी का नाम है। तो गुरुजी ने तो पढ़ाई की थी काफी? हाँ, काफी पढ़ाई की थी। MBBS की पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पर आए थे ऐसा है ना? है? हाँ जी। अच्छा। तो गुरुजी ये बांध कितना क्या किलोमीटर लंबा है? ये तो बांध है करीब 40-45 किलोमीटर, 40 मान के चलो, 40 किलोमीटर इधर को माने के चलो, 40 इधर को माने के चलो, 40 किलोमीटर इधर के लिए, 40 किलोमीटर इधर के लिए। बाबा कितने साल उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 साल हो गई। 70 वर्ष हो गई आपकी उम्र। तो बाबा जी को आपने देखा? एक बार देखा। हरि बाबा को एक बार देखा आपने? 12 साल को तब मैं आए, हम लोग मुझे हमारे गाँव बैरूरी में। अच्छा, बिल्कुल सुना जी। तो भैया हमने देखी थाड़ गई जी। तो हमने कहा पिताजी थे मेरे, पापा मेरी 5 रुपये लगे तो 5 रुपये तक देंगे। अरे गुरु जी पैर नहीं छोड़ते थे? मैं पैर पर बाबा के लिए बड़ी पैसा अपने हाथ में नहीं छूते थे। पैसा भी नहीं छूते थे? पैसा नहीं छूते थे और अपने पैर नहीं छूने देते थे। और तो ही हम गए गंगा जी जी, खूब भाजों में 12 साल को अच्छी तंदर थी। भैया तो मेरे ही बाबू है, तो भैया मैं गंगा दवा मेरे हाथ में एक बार देख लें, बाबा हाथ नहीं आए, बाबा तो वही देख लेते तो कार्तिक बैठा गूगल पर भी बैठा था। अच्छा, भैया पहले ये लोग बंद घाट बंद है ना, तब ना। अरे बाबा यहाँ पर बता देते पहले, यहाँ पर चोर वोर बहुत रहते थे। और कौन है जो काम था? बेलो बेलो हो पहले बेला था, मतलब ये पूरा अब तो सब में फसल हो रही है, फसल भी हो रही है अच्छी। देखो अरे बेलो था हुई है पहले, यहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा करते थे। बाबा के आने से लोगों का मन बदल गया। तो बाबा ने किस प्रकार से बांध बनवाया? ये बांध बनवाया अपने सिर से खुद मिट्टी डाली थी, अपने सिर से खुद मिट्टी डालने लगे, फिर हम तुम सब प्रजा चलने लगी पीछे पीछे गांव में। नहीं आई तो डाला फल उठाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर से ही मिट्टी डाली है। हां, जैसी भी फैसी भी कुछ नहीं थी। सुन लैया, मैं तो बाबा ज्यादा करी मुदा हुई थी, एक बजिया गिर गई, दबी गई। तो बजिया बाबा बोले बाबा मिट्टी डाल रहे, बजिया तो करो मैं। हां, ये थोड़ी होगी मदीना। हां, बजिया देखे कि टूट। हां, बाबा ने कही? अच्छा, बहुत तकती पेड़ हुआ काय को मैं जानता ना। तो जब पेड़ पे आवे थी कथा कपड़े कहते हैं लीला भाई कहते हैं। तो ये पेड़ पे वो है बसेंदू का पेड़। बसेंदू का पेड़ है ये कहाँ है? यहीं पे महाराज जी कुटी के आगे लंबा सा, तो उस पे छोटा सा पौधा था। तो सेवा वालों ने कहा कि बाबा इस पेड़ को कटवा दो, ये सिर में ऊपर से फल डाले करेगा, कैसे मने कर देंगे, ये फल नहीं देगा, उसमें फल नहीं आते। अच्छा, फल नहीं आते तो ये बाबा ने कह दिया? फूल खिल जाता है इसमें फल मंदी। तो अभी आपने
महाराज जी के मुखारविंद से हरि बाबा बांध का जो निर्माण कार्य हुआ था या हरि बाबा के बारे में उनका वर्णन सुना, गंगा मैया के बारे में। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।